हेलो दोस्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोबारा आपके मेरे हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री लैब पर। मेरा नाम है GRC और दोस्त, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं लेनॉर्ड साइकिल के बारे में। लेनॉर्ड साइकिल में काफ़ी इजी सा प्रोसेस है। यहाँ पर तीन स्टेजेस में होते हैं, मतलब तीन प्रोसेस अपने को देखने को मिलते हैं। जनरली जो बाकी सारे प्रोसेस थे, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, उसमें 4 या 5 मिनिमम प्रोसेस होते थे, लेकिन ये काफ़ी इजी सा है, अपने को तीन प्रोसेस में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। PV डायग्राम और TS डायग्राम दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हीट एडिशन कैसे हो रहा है, उसके बाद वर्क आउटपुट कैसे मिल रहा है, उसके बाद हीट रिजेक्शन किस पे हो रहा है, इन सभी के बारे में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाई यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है। उस हॉरिजॉन्टल लाइन का यहाँ पर क्या मतलब है? वहां का इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन हो रहा है। और हीट रिजेक्शन से पहले अपने को बात करनी है हीट एडिशन। तो आप यहाँ पर वर्टिकल लाइन देख सकते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर यहाँ पर आपको एरोस का डायरेक्शन यहाँ पर नोट करना है कि जो एरो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो है, लेकिन यहाँ पर हीट एडिशन प्रोसेस हो रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई जस्टिफाई करो उस वर्टिकल लाइन में कि वो हीट एडिशन प्रोसेस है, आप मेरे से ये पूछ सकते हो। तो उसके लिए आपको TS डायग्राम पर इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। आप TS डायग्राम पर जाओगे तो देखोगे कि डेल क्यू इक्वल्स टी इंटू डेल्टा एस होता है, ठीक है? और डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल है, और टेम्परेचर चेंज भी है, वो भी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करोगे, क्योंकि वो हाइट इंक्रीज हो रही है। अगर आप PV डायग्राम में उस वर्टिकल लाइन को देख रहे हो और उस सेम कोऑर्डिनेट्स को अगर आप TS डायग्राम पर देखो, तो आप देखोगे कि फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे वो टेम्परेचर के केस में हो या एंट्रोपी के केस में हो, दोनों आपका पॉजिटिव आ रहा है। जनरली एंट्रोपी चेंज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि एंट्रोपी चेंज और टेम्परेचर चेंज, इन सभी के करस्पॉन्डिंग कैसे रिजल्ट आ रहा है? सरल शब्द में इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ कि एंट्रोपी चेंज वो तो होता तो है एक टेम्परेचर पर जरूर, लेकिन करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स पर अगर आप देखो तब भी एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, और टेम्परेचर तो हर समय पॉजिटिव है ही, तो क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर सारी चीजें हैं। और टेम्परेचर चेंज भी अगर देखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल आपको तो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो दो पॉजिटिव टर्म का प्रोडक्ट अगर आप देखोगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ये जस्टिफाई करता है कि ये हीट एडिशन प्रोसेस है और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये तो आपको समझ में आया किससे? PV डायग्राम से। तो ऐसा आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पर जो गैस है वो यहाँ पर वर्क नेट आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पर कंप्रेशन प्रोसेस होता है, वो सारा तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको आइसोएंट्रोपिकली कंप्रेस होता है, आइसोएंट्रोपिक मतलब एडियाबेटिक भी होगा उसमें, और वो आपका रिवर्सिबल भी होगा। तो ये तो बाहर नेटवर्क आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। अब एग्जॉस्ट, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी, अब भाई थोड़ा तो वो बाहर एनवायरमेंट में गैस रिलीज करेगा, एकदम आइडल साइकिल तो है नहीं कि बाहर कुछ रिलीज ही ना करे। तो वो जो रिलीज करता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर पर रिलीज करता है, वो पीवी डायग्राम पे, और पीवी डायग्राम पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी। आप फिर से मेरे से पूछ सकते हो, भाई प्रूफ करो कि वो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो उसके लिए आपको TS डायग्राम पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो कि इनिशियल माइनस फाइनल, अगर आप करते हो एंट्रोपी एंट्रोपी को, अगर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करते हो एंट्रोपी को और टेम्परेचर चेंज को, तो एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव आएगा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो डेल क्यू जो है वो नेगेटिव आएगा। तो ये प्रूफ करता है कि भाई ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो आपको PV और TS डायग्राम दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस आपको समझना है। तो चलिए बात करते हैं भारत के भविष्य सेगमेंट के बारे में। भारत का भविष्य सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है हमारे चैनल का जिसमें मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, और मेरे ही डाउट्स होते हैं और आपके सवाल और सवाल भी मेरे ही होते हैं, लेकिन जवाब आपके होने चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है। तो भाई मुझे यही कहना है कि हमारे चैनल पर तो सारे साइकिल्स की जनरली वीडियो बन गई है जो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे साइकिल्स हैं जो मैंने नहीं भी पढ़ाया है आपको, लेकिन हाँ बहुत सारे साइकिल्स की बन चुकी है, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, कंपैरिजन बिटवीन ऑटो डीजल, कंपैरिजन अमंग ऑटो डीजल एंड ड्यूल, बिटवीन और अमंग में अगर मैं इंग्लिश ग्रामर में जाऊँ तो बिटवीन दो लोग दो के लिए यूज़ करते हैं, अमंग दो से ज़्यादा के लिए, तो अमंग मैं बोलना चाहूँगा। ऑटो डीजल ड्यूल इसका भी बन चुका है, लेनॉर्ड साइकिल पर ये है, एरिक्सन साइकिल पर बन चुका है, स्टर्लिंग साइकिल पर बन चुका है। क्या आपने सारे एयर स्टैंडर्ड साइकिल या फिर गैस पावर्ड साइकिल्स पर ये सारी वीडियोज़ देखी है? कि अगर आता हो तो मत देखना, लेकिन नहीं आता हो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको है। गेट और IES एग्जामिनेशन में भी ये सारे साइकिल्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते हो, और उसकी भी प्रिपरेशन में स्टार्ट कराने वाला हूं बेसिक बेसिक धीरे धीरे, तो उसकी भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो लेनॉर्ड साइकिल आपको समझ में आया क्या? क्या आपको PV और TS डायग्राम का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया क्या? क्योंकि मैं तो पहले TS डायग्राम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था, PV डायग्राम ये अच्छे से कर लो काफी है ऐसा लगता था, लेकिन TS डायग्राम का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना PV डायग्राम का। तो बस इतना ही कहना था आपको, मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है, क्या क्या मुझे इंप्रूवमेंट करनी है वो मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट में,
और सब्सक्राइब करने बोलूंगा नहीं, इतने बार स्क्रीन पर फ्लैश हो गया होगा वही काफी है, कर दोगे तो बड़ा अच्छा लगता है, बता नहीं सकता कितना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे बोलना भी तो अच्छा नहीं लगता यार कि सब्सक्राइब करो जिसको करना होगा वो करेगा यार, जिसको नहीं करना वो कभी नहीं करेगा, तो ऐसे बोलने का है नहीं, लेकिन हाँ अपना ध्यान रखना आप वो ज़्यादा ज़रूरी है। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों की हेल्प करते रहिए।